बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। जो हमारे क्लास टेंथ के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टी जो हम पढ़ रहे थे इसमें से है। तो हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज़ फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है कि डेमोक्रेसी में हर कोई जो है, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में हर कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो है या ग्रुप ऑफ सिटीजन जो है क्या कर सकते हैं, अपना एक पॉलिटिकल जो पार्टी जो है फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हमारे इंडिया में मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के अंडर। लेकिन उसमें से जो है कुछ पार्टीज़ जैसे, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। यहाँ पे जो है ज़्यादातर यूजुअली ए हैंडफुल ऑफ पार्टीज़ आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, जो बड़े बड़े जो हैंडफुल ऑफ पार्टीज़ जो है इफ़ेक्टिवली इलेक्शन को विन कर पाते हैं, है तो हमारे पास 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सो द क्वेश्चन देन इज़ हाउ मेनी मेजर आर इफेक्टिव पार्टीज़ आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इन सम कंट्रीज़ में ओनली जो है क्या होते हैं, जैसे हम पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कंट्रीज़ में जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल पार्टी सिस्टम होते हैं, बाई पार्टी, कुछ कंट्रीज़ में बाई पार्टी सिस्टम होते हैं और कुछ में मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो पार्टी सिस्टम में हम क्या कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में तीन सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, अब ये जो सिंगल पार्टी सिस्टम जो है हम कौन से पार्टीज़ को कहेंगे, जैसे ऐसे पार्टी ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होते हैं और वही पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे चाइना। चाइना में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, वही क्या करते हैं पूरे कंट्री को रूल करते हैं या कंट्री को रन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वन पार्टी सिंगल पार्टी सिस्टम। और जो सिंगल पार्टी सिस्टम है इसका मेन ड्रॉबैक या मेन डिसएडवांटेज क्या है कि दिस पार्टी सिस्टम इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, कि ये जो पार्टी सिस्टम है, जैसे सिंगल पार्टी सिस्टम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें सेकेंड है बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम, अंडर दिस पार्टी सिस्टम पॉलिटिकल पावर्स यूजुअली चेंजेस बिटवीन द टू मेन पार्टीज़। ठीक है, बाई पार्टी सिस्टम में क्या होते हैं कि पावर जो है या कंट्री को रन करना या गवर्नमेंट फॉर्म करना, ये दो पार्टी के अंदर होता है, या कभी एक पार्टी कभी दूसरा पार्टी, मतलब बिटवीन द टू पार्टीज़ के बीच में, दो मेन जो पार्टीज़ है इसके बीच में ये जो गवर्नमेंट है या पावर जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो बाई पार्टी सिस्टम में हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे USA और UK। ठीक है, USA और UK में टू पार्टी सिस्टम है, बाई पार्टी सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे मोस्टली हमारे जैसे इंडिया में है, इट इज़ अ सिस्टम इन विच मोर देन टू पार्टी सिस्टम फंक्शन एंड सेवरल पार्टीज हैव चांस ऑफ कमिंग टू पावर। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा पार्टीज होते हैं या मल्टी पार्टी होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये जो है इसमें जो टू पार्टीज है, टू पार्टी फंक्शन एंड सेवरल अदर पार्टीज जो है उनका भी चांसेस होता है कमिंग टू पावर, यानी पावर को होल्ड करने के चांसेस जो है दूसरे पार्टीज को भी हो सकते हैं इस सिस्टम में या मल्टी पार्टी सिस्टम में। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस भी है और
कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे एडवांटेजेस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, लोगों को वाइडर चॉइस टू द वोटर्स, यानी वोटर्स को जो वोट करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चॉइस मिलते हैं, ज़्यादा चॉइस मिलते हैं कि वो किस तरह के पार्टी को या कौन से पार्टी को वो वोट कर सकते हैं, जरिए ठीक है। और जो नेक्स्ट है दूसरा, इसमें हम कहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि हर सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस होते हैं उन सबको रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं। अब वो कैसे मिलते हैं, जैसे हमने कहा कि डेमोक्रेसी में कोई भी जो है अपना पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। सो सेम इसी तरह से इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग या डिफरेंट रिलीजन के लोग या डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, तो सब हर कोई जो है अपना एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे हमने कहा कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन जो है, सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। ये हो गया इसके दो एडवांटेजेस यानी मल्टी पार्टी सिस्टम का, ठीक। अब इसके डिसएडवांटेजेस हम क्या कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज में क्या होते हैं अब जो मल्टी पार्टी सिस्टम होते हैं, जब मतलब दो या दो से ज़्यादा पार्टी सिस्टम जो है यहाँ पे अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो क्या होते हैं, जैसे हमने पहले बताया कि विनिंग ऑफ चांस जो है दो या दो से ज़्यादा दो पार्टीज को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, यानी उस टाइम इनको कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कोलिशन बनाते हैं तो इसमें जो है, जैसे हम कहेंगे समटाइम लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़, कभी कभी क्या होते हैं कि इस तरह की गवर्नमेंट से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी तो तकसम खत्म यूनियन टेरिटरीज में आ गए, लेकिन उससे पहले जो है हमारे यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट थे, तो बीजेपी और इसका एनसी का, तो उसमें जो है खत्म से मतलब हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है क्रिएट हो सकते हैं। सो अब हम कह सकते हैं कि पार्टी सिस्टम जो है, तो कौन सा पार्टी सिस्टम, यानी चाहे बाई पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम, इनमें से कौन सा सिस्टम जो है एक सोसाइटी के लिए, एक कंट्री के लिए आइडियल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन, क्योंकि डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं, डिफरेंट जैसे कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, तो उसमें जो है हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल जो है कोई भी पार्टी सिस्टम जो है आइडियल नहीं होते हैं फॉर ए कंट्री या फॉर ए सोसाइटी, ठीक है। तो इंडिया है, जैसे कि हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, क्योंकि हमारे इंडिया में डिफरेंट या इंडिया एक इंडिया में डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ है या एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत सारे रिलीजन का, बहुत अलग अलग नेचर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग जैसे रीजन के, अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग सेक्शन के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इस वजह से जो है इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ है, या इंडिया इवॉल्व थ्रू ए मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हो जाता है आज का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेजर पार्टीज़, यानी रीजनल एंड दी नेशनल पार्टीज़।